टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की धोखेबाजी की कहानी सुनाकर सनसनी मचा डाली है। युजवेंद्र चहल का कहना है कि जब वो आरसीबी से अलग हुए तो उस वक्त फ्रेंचाइजी की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके का कॉल नहीं आया था और ना ही उनसे कोई बात की गई थी। चहल ने रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, जब मैंने आईपीएल की नीलामी के लिए अपना नाम रखा था तो उस दौरान मुझसे ये वादा किया गया था कि आरसीबी मेरे साथ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर सही सही बताऊं तो उस दौरान मैंने 2-3 दिन तक किसी भी कोच से बात तक नहीं की थी। जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए जब मैं आरसीबी के खिलाफ पहला मुकाबला खेलने जा रहा था तब मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। स्टार स्पिनर चहल ने साल 2011 में मुंबई इंडियंस के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2014 में वो आरसीबी का हिस्सा बन गए थे। आरसीबी का हिस्सा बनने के बाद युजवेंद्र चहल अपनी टीम के लिए 113 मैच खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटका चुके थे। और इतना ही नहीं, युजवेंद्र चहल आज भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। इसके बावजूद साल 2022 में आईपीएल के लिए हुई नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया, जिसके चलते यूजी चहल आज भी आरसीबी से बेहद नाराज हैं। रणवीर इलाहाबादिया को दिए गए इंटरव्यू में यूजी चहल ने ये भी बताया कि विराट कोहली ने उन पर काफी ज्यादा विश्वास दिखाया था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अजीब भी लगा, क्योंकि मैंने आरसीबी के साथ 8 साल तक क्रिकेट खेला। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे इंडियन कैप भी आरसीबी के लिए प्रदर्शन की वजह से मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रदर्शन करने का मौका दिया। पहले ही मैच से विराट भाई ने मुझ पर विश्वास जताया था। युजवेंद्र चहल ने साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स का 7 पकड़ा और पिछले 2 सीजन में उनके लिए 48 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल 2022 में युजवेंद्र चहल ने राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में पहुंचाने के लिए भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा चहल के पूरे करियर की बात की जाए तो उन्होंने अब तक अलग अलग टीमों के लिए कुल 145 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 187 विकेट चटकाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।